हाय एवरीवन दिस इज़ वानिका आज का टॉपिक है हमारा जामुन पे जामुन फल के बारे में तो आप सबने सुना होगा खाया होगा आज शायद आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में पता चल जाए करंट अफेयर ये है कि पहला बैच यूपी के स्पेशल जामुनस का लंडन को एक्सपोर्ट किया गया है अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं इंडिया के जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं हर एक पे मैंने जैसे जर्दालू आम हैं उनकी बात की थी इसके बाद मैं असम पे एक वीडियो बनाऊंगी वहाँ की कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और ये यूपी का जामुन फल एक्सपोर्ट हो रहा है तो याद रखिए कौन कौन से क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत सारे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंडिया के फ्रूट्स को नहीं लेती थी क्वालिटी चेक्स लगा देती थी लेकिन अब हम इस क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट हो रही हैं आपकी कोई भी कन्फ्यूजन आप मैं कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा डिस्कशन शुरू करते हैं देखिए स्पेशल वैरायटी है अब जामुन क्या है इंडियन ब्लैकबेरी है ये जो हम बेरीज आप खाते हैं ओके okay, तो बेरी की एक वैरायटी है ब्लैकबेरी है इसको जामुन जो है ये वाला इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने एक तरीके से डेवलप किया है और इस वैरायटी को लंदन ये जो वैरायटी इन्होंने डेवलप की है इस, इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है लंदन में और पहला बैच इसका एक्सपोर्ट हो चुका है देखिए ये सवाल आपके उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी आई में आपको हमारे सारे स्मार्ट कोर्सेज़ मिलेंगे उत्तर प्रदेश पी उत्तर प्रदेश जुडिश्री कोर्स उत्तर प्रदेश एस उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर स्मार्ट कोर्स उत्तर प्रदेश पी PS, एस uh, और उत्तर प्रदेश टेट ये रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का है और उत्तर प्रदेश जी के तो सारे आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सारे स्मार्ट कोर्सेज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं अब देखिए जामुन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है सीजीजियम क्यूमिनाई ओके okay, तो जो भी साइंटिफिक नेम होता है उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है या फिर उसको अंडरलाइन किया जाता है जब आप कॉपी पे लिखते हैं कॉमनली इसको मालाबार प्लम जावा प्लम ब्लैक प्लम जामुन या जम्बोलन जो है वो कहा जाता है एवरग्रीन ट्रॉपिकल ट्री है ये फ्लोरिंग प्लांट फैमिली इसकी कौन सी है माई मारटास ये और फेवरड फॉर इट्स फ्रूट तिम्बर एंड ऑर्नामेंटल वैल्यू इसके जो पत्ते हैं उनको ऑर्नामेंटल यूज़ के लिए भी किया रखा जाता है फ्रूट की तरह और तिम्बर की तरह इसको यूज़ किया जाता है जामुन को उत्तर प्रदेश का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली और आप बताइए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वेयर इज़ जामुन फाउंड अब सवाल है कि जामुन मिलता कहाँ है देखिए पहले तो ये नेटिव बेरी है बेरी है दिस इज़ अ टाइप ऑफ बेरी साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपको मिलेगा जैसे इंडिया हो गया श्रीलंका हो गया नेपाल हो गया हाउ एवर इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू फ्लोरिडा बाद में इसको फ्लोरिडा में भी इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में नाइनटीन हंड्रेड इलेवन में और जितने भी फ्रूट्स हैं जामुन ट्री पे जो इसका पेड़ होता है जब इस पर सारे जामुन लग जाते हैं सब एक टाइम पे नहीं पकते हैं इसलिए इसको अलग अलग टाइम पे पिक किया जा सकता है उतारा जा सकता है ऐसा नहीं है कि गिर जाएंगे ज़मीन पर कई बार गिर जाते हैं बट यूजली नहीं गिरते इनको उतारना पड़ता है पिक करना पड़ता है ये वेजिटेबल फ्रूट मार्केट्स में इंडिया में और नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत इजीली अवेलेबल है हर बार आप ये देखते हो गर्मियों में पीक सीजन इनका रहता है ये वेरी अवेलेबल रहती है थ्रू आउट द ईयर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में अब जो पहला बैच है इसको फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है ए पी ई डी ए पहले भी मैंने आपको ए पी ई डी ए के बारे में क्योंकि एग्जाम में इस पर सवाल ज़रूर आता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने इसको एक्सपोर्ट किया है ये जो अथॉरिटी है यही इंडिया के सारे प्रोसेस्ड फूड्स का और जो एक्सपोर्ट होता है उसका ध्यान रखती है इसके बारे में आप विकीपीडिया पे भी देख सकते हैं एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेक्स बॉडी है जो कि एक्सपोर्ट ट्रेड को प्रमोट करती है और डेवलप करती है कब फाउंड की गई थी थर्टीन फाइव नाइनटीन एटी सिक्स हेडकोर्टर्स इसके न्यू डेली में है पर्पज़ आप इसका समझ चुके हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए ताकि इंडिया से चीज़ें हम बाहर भेज सकें और हमको फ़ायदा हो अब ए पी डी ए ने देखिए रिसेंटली बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करने में हेल्प किया इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी ये है आपके लेतेकू ग्रेप्स जो हैं आसाम से गए हैं उसके बाद ड्रैगन फ्रूट पे भी हम वीडियो बनाएंगे उसके बाद ये आपके बनानाज़ हैं इसको भी एक्सपोर्ट किया गया है और जर्दालू मैंगोज पे हम वीडियो बना चुके हैं और अब आज जो हम जामुन पे बना रहे हैं तो ए ने काफ़ी चीज़ें जो हैं रिसेंटली एक्सपोर्ट करने में हेल्प की है अब देखिए जामवंत ये जो वैरायटी है इसका नाम है जामवंत ये स्पेशल वेराइटी है ब्लैक प्लम की जिसमें नाइन्टी फ्लैश है वरना कई बार सीड आ जाता है फ्लैश कम रहती है लेकिन इसमें नाइन्टी फ्लैश है इसको खाया जा सकता है इसको जो फार्मर्स हैं बिथूर कानपुर के उन्होंने उनके थ्रू इसको प्रोड्यूस करवाया गया है और इसको भी एक्सपोर्ट किया गया है इसको एक्सपोर्ट किया गया है लंदन में और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जामुन की माना जाता है काफ़ी सारी बीमारियां दूर करती है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी इसको लिया जाता है यूरोपियन मार्केट में लोग इसको एक्जॉटिक फ्रूट के तौर पर खाते हैं अब जामवंत याद रखिएगा वेराइटी का नाम है जामवंत ये एक स्पेशल ब्लैक प्लम जामुन की वैरायटी है इस किसने डेवलप किया है अगेन पहले भी मैंने मेंशन किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर तो ये याद रखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है उसके बाद इससे वाइन मेकर्स जो हैं वाइन भी बनाते हैं फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश जामवंत पल्पियर है जूसियर है बाकी वैरायटी से ज़्यादा बेटर है और इसको ओरिजिनली अगर आप देखेंगे 2008 में डेवलप किया गया था लेकिन 2019 में हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं 12 साल की प्रॉपर रिसर्च के बाद और इस प्लम की वैरायटी पे ये जो इंस्टीट्यूट है अराउंड 50 अदर वैरायटीज पे भी काम कर रहा है मेंटेन करता है उसको इसका माउथ वॉश भी बनाया गया था जामुन के लीव्स और बार्क से न्यूट्रिशन वैल्यू भी इस जामुन की बहुत अच्छी है देखिए इसमें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स कैल्शियम आयरन विटामिन सी यानी जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर्स आप बाहर से खाते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट है अगर आप इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 100 ग्राम देखेंगे तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स सिक्सटीन ग्राम है फैट्स पॉइंट टू थ्री तो बाकी सारे देख सकते हैं और इस स्लाइड में एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी जो एग्ज़ाम्स में आती है वाइटामिन की बी वन को क्या बोलते हैं थायमिन बी वन का वाइटामिन बी वन का एन नेम कैन बी थायमिन तो याद रखिए राइबोफ्लेविन इज बी टू नियासिन बी थ्री वाइटामिन बी सिक्स वाइटामिन सी तो इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं ये भी आप याद रख सकते हैं ओके अब देखिए एट द स्टार्ट ऑफ़ द सीज़न जामुन इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव जब सीज़न शुरू होता है तो जामुन बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रूट होता है अगर आप देखेंगे 300 पर किलोग्राम भी ये बिकता है लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स जैसे बताइए तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है दूसरा एंटी डायबिटिक है जिन लोगों को डायबिटीज़ हो वो लोग ये खाते हैं क्योंकि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ है इसमें वाइटामिन सी बहुत होता है एंटी ऑक्सीजेंट्स बहुत होते हैं और बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो है वो हार्ट की हमारे हार्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की हेल्थ इंप्रूव करते हैं डाइजेशन और गम हेल्थ विटामिन सी आपकी Uh, जो गम हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं इसलिए लोग इसको पसंद भी करते हैं ऐसे आप ये चार्ट भी देख सकते हैं एक साइड से मैंने ये लिया है डायबिटीज़ मैनेज करेगा जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं हेल्दी स्किन हेल्दी हेयर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा इम्यूनिटी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी और करोना टाइम में वैसे भी अच्छा है हेल्दी हार्ट हेल्दी टीथ हेल्दी डाइजेशन तो ये सब आप देख सकते हैं ओके नेक्स्ट इज़ जामुन को जम्बूफलम संस्कृत में कहा जाता है और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं आपके जैसे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी चाइनीज़ मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है थोड़ा सा मिथोलॉजी से भी रिलेटेड है ये जैसे लॉर्ड रामा कहते हैं जब उनको चौदह साल का वनवास हुआ था तो वो यही फ्रूट खाते थे उसके बाद विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है ब्यूटीफुल रिवर इस जामुन जमीन पे गिरता है, एक ब्यूटीफुल रिवर वहाँ से निकलता है फिर जो गॉड ऑफ क्लाउड्स हैं मेघ लॉर्ड मेघ वो एक बार जामुन के रूप में अवतरित हुए इसलिए इसका कलर डार्क है और काफ़ी फियरस भी है लॉर्ड शिवा को भी जामुन बहुत पसंद है इसलिए उनका नाम उनको जम्बूकेश्वरा भी कहा जाता है इस नाम से भी जाना जाता है और जम्बू नाथ भी बोला जाता है लॉर्ड शिवा को और जामुन के लीव्स हैं इनको शादी के जो पंडाल्स होते हैं जहाँ पे मैरिज होती है हिंदू मैरिजेज़ होती हैं महाराष्ट्र में वहाँ पर यूज़ किया जाता है और बाकी अब ये सब बता चुकी हूँ जूसी बेरी है इसके सीड्स सिलेंडर होते हैं डार्क पर्पल कलर है इसकी स्किन का जब हम इसको खाते हैं पीछे एक कलर भी छोड़ता है बट डोंट वरी दैट कलर इज़ नॉट हार्मफुल थोड़ी देर में चला जाता है अब साइंटिफिक नेम जामुन का क्या है ये आप मुझे बताइए तो सही आंसर मैं बता चुकी हूँ आई थिंक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं टेलीग्राम पे भी अपडेट हो जाएगा लेकिन इसके साथ साथ आप मुझे बताइए जो बाकी के साइंटिफिक नेम्स हैं यहाँ पर इनको अंडरलाइन कर देते हैं बिकॉज इनको हमने इटैलिक्स में नहीं लिखा है एनी anyway, वे तो मैंजिफरा इंडिका जैसे मैं बता देती हूँ दिस इज मैंगो ओके okay? तो आप मुझे बताइए ट्रिटिकम एस्टिवम ये सिस्टियम क्यूमिनाए प्यूनिका ग्रानिटम ये किसके साइंटिफिक नेम्स हैं तो आपको ये भी याद हो जाएंगे तो बाकी यही है हमारा आज का लेक्चर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच